कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स ने अपने डिजिटल आर्टवर्क एंड म्यूजिक वीडियो सेट को NFT के थ्रू सेल करके 20 मिनट के अंदर 42 करोड़ रुपीस या फिर 5.8 मिलियन डॉलर्स अर्न करे। अमेरिकन EDM म्यूजिक प्रोड्यूसर ब्लाउ ने अपनी एल्बम की NFT निकालकर 24 घंटे के अंदर 85 करोड़ रुपीस या फिर 11.6 मिलियन डॉलर्स अर्न करे। तमिल म्यूजिशियन कबीर वासुको ने अपने सॉन्ग वसनम के फर्स्ट फोन डेमो को NFT के थ्रू सेल कर 1.5 करोड़ रुपए कमाए। अमेरिकन रैपर नास अपने दो सॉन्ग्स अल्ट्रा ब्लैक एंड रेयर की 50% स्ट्रीमिंग राइट्स को NFT के थ्रू ऑक्शन कर रहे हैं। हमारे गांव में कहावत है कि आज की दुनिया में पैसा हवा में उड़ रहा है, बस उसको पकड़ना आना चाहिए। आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो अगर तुम ऑपरेट करना सीख गए तो बिना KVC खेले भी इंडिया के नेक्स्ट करोड़पति बन सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में NFT से रिलेटेड चार चीजें बताऊंगा। पहला कि NFT क्या चीज है, दूसरा NFT से म्यूजिशियंस को क्या फायदा है, तीसरा कि रिकॉर्ड लेबल्स NFT से रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं, और चौथा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के कौन से आर्टिस्ट NFT में क्या कर रहे हैं। और तुम म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि NFT का फायदा कोई भी उठा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आखिर बात पैसे की है। मेरा नाम है अफेक और मैं पिछले 8 साल से दुनिया की बड़ी बड़ी IT कंपनीज के लिए ऑन डिमांड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करता था। बट अब 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़कर डिसाइड करा है कि मैं फुल टाइम अपने फेवरेट टॉपिक म्यूजिक के ऊपर रिसर्च करूंगा। सो अगर आपको म्यूजिक रिलेटेड इनसाइटफुल वीडियोस पसंद हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर प्रो म्यूजिक मूवमेंट। What is NFT? NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। NFT को तुम डिजिटल वर्ल्ड के एक ऐसे एसेट की तरह इमेजिन करो जिसको रेप्लिकेट नहीं करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, रुको समझाता हूँ। ये जो मेरे हाथ में एक का सिक्का है, ये एक रिप्लेसेबल या फिर फंजिबल एसेट है। मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक के सिक्के हैं। अब सिल्वर प्ले बटन तो बहुत सारे होते हैं। जिस भी यूट्यूबर के 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यूट्यूब उनको एक सिल्वर प्ले बटन भेज देता है। बट ये जो सिल्वर प्ले बटन मेरा पीछे लगा हुआ है, क्या ऐसा कोई और सिल्वर प्ले बटन दुनिया में एग्जिस्ट करता है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। मतलब ये क्या हुआ, इसको कोई और दुनिया में रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हुआ एक नॉन फंजिबल एसेट। मान लो कि ये सिल्वर प्ले बटन चोरी हो जाए, जैसे साइमन सेज का हुआ था 100K वाला सिल्वर प्ले बटन, और कोई इसको eBay के ऊपर ऑक्शन पे डाल दे, तो ये कैसे प्रूव होगा कि ये अफेक का रियल सिल्वर प्ले बटन है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नकली सिल्वर प्ले बटन मेरे नाम का बना के उसको डाल सकता है। तो ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो, इसको मेक श्योर करते हैं NFTs। अब सोचो कि ये सारी चीजें डिजिटल वर्ल्ड में हो रही है। मतलब इस बार मैं अपने सिल्वर प्ले बटन को खुद बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको सही तरीके से बेचना चाहता हूँ, तो वहां पे काम आएंगे NFTs। मेरा सिल्वर प्ले बटन होगा NFT, क्योंकि ये एक यूनिक नॉन रिप्लेसेबल या नॉन फंजिबल एसेट या टोकन है, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये मेक श्योर करेगी कि इस सिल्वर प्ले की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। मतलब ये श्योर हो कि इसको मैं ही बेच रहा हूं, इसका राइटफुल ओनर, इसकी मैंने क्या प्राइस रखा है इसको बेचने का, इसको मैं कब बेच रहा हूं, इसके नए ओनर का नाम क्या होएगा जो भी इसको खरीदेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल रहेंगी। ये जो सारी अभी हमने इंफॉर्मेशन इस सिल्वर प्ले बटन से रिलेटेड रिकॉर्ड करी थी, इसको दुनिया का कोई भी हैकर जाकर चेंज नहीं कर सकता है। फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं म्यूजिक NFTs की। भाई म्यूजिक NFTs के थ्रू म्यूजिशियंस एक अलग ही रेवोल्यूशन ला रहे हैं। म्यूजिक NFTs के थ्रू आर्टिस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। म्यूजिशियंस अपने और फैंस के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं और उनको नए नए एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मतलब NFT ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है जिसकी वजह से वो म्यूजिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेगा। बेनिफिट नंबर 1, रेवेन्यू स्ट्रीम। इंटरनेट एरा में म्यूजिशियंस के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी इन द वे यू कैन एक्सप्लोर इंडी आर्टिस्ट, बट अभी भी रियलिटी ये है कि स्ट्रीमिंग रेवेन्यू का 90% टॉप 1% आर्टिस्ट को चला जाता है, और जो 99% आर्टिस्ट बचते हैं उनको 10% रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऊपर से पैंडेमिक के पिछले 3 साल जिसकी वजह से लाइव शोज कैंसिल हो गए हैं और इंडी आर्टिस्ट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। बट NFT के थ्रू म्यूजिशियंस अपने म्यूजिक को बिना किसी म्यूजिक लेबल, स्ट्रीमिंग सर्विस या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की इंटरफेरेंस के रिलीज कर सकते हैं, और इससे जनरेटेड 90%+ रेवेन्यू
अपनी जेब में रख सकते हैं। लास्ट ईयर इन अगस्त टोरी लेन्स ने अपनी एल्बम वेंस डार्क को एनएफटी के थ्रू रिलीज करा, जिसकी 1 मिलियन कॉपीज 57 सेकंड्स में सेल हो गईं। ही अर्नड $1 पर कॉपी, व्हिच मेड हिम अर्न अ मिलियन डॉलर्स इन लेस देन अ मिनट। Platinum and I sold a million copies and I made $1 million in less than a fucking minute, my nigga. Benefit number 2, freedom from music labels control. Kanye West, Beatles, Taylor Swift, Keisha, Prince, ये सारे म्यूजिशियंस अपने सॉन्ग्स की ओनरशिप के लिए लड़ चुके हैं। म्यूजिक लेबल्स जब किसी आर्टिस्ट को साइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आर्टिस्ट के फेवर से ज्यादा लेबल्स के फेवर में होते हैं। आर्टिस्ट किस टाइप के गाने निकालेगा, उसमें कैसे लिरिक्स होंगे, किस टाइप का म्यूजिक होगा, गाने कब रिलीज होंगे, गानों का ओनरशिप किसके पास होगी, इन सब चीजों का पूरा कंट्रोल लेबल के अंडर होता है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट बहुत सारे लेवल्स पर एक्सप्लॉइट होते हैं। उनकी क्रिएटिव और फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। इसी की वजह से आपने बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट को अपने म्यूजिक लेबल्स के साथ डिसोसिएट होते सुना होगा। बट एनएफटी म्यूजिशियंस की ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एनएफटी म्यूजिशियन को पूरी फ्रीडम देता है कि वो हर चीज डिसाइड करते हो, उनका हर चीज पर कंट्रोल हो, मतलब कैसे गाने निकालेंगे, कब निकालेंगे, कैसा आर्ट वर्क होगा, कैसा म्यूजिक होगा, एवरीथिंग, यहां तक कि उनके गानों की ओनरशिप के कितने पार्ट होंगे और किसको कितना परसेंटेज मिलेगा, सब चीज म्यूजिशियंस खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि म्यूजिक लेबल्स अच्छे नहीं होते, वो खाली ईविल होते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी म्यूजिक लेबल्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। बेनिफिट 3, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद फैंस। NFT म्यूजिशियंस को अपने फैंस या सुपर फैंस के साथ कनेक्ट करने का लिमिटलेस ऑप्शन देता है। NFT के थ्रू म्यूजिशियंस अपने सुपर फैंस या फिर NFT कलेक्टर्स को वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। जैसे कि सेज और उनके रिकॉर्ड लेबल द मूवमेंट ने पिछले साल द मून हेट सीरीज नाम के NFT लॉन्च किए थे। ये NFT 17 डिजिटल आर्टवर्क्स के फॉर्म में है और इनको कलेक्ट करने वालों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि इन आर्टवर्क्स को कमर्शियली यूज करने की पूरी राइट्स एंड ओनरशिप, एंड सेज और उनकी टीम के चांद पार लाइव टूर में बैक स्टेज एक्सेस मिलेगा और आर्टिस्ट से मिलने का मौका भी मिलेगा। आई मीन सच अ क्रिएटिव वे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ योर फैंस। किंग्स ऑफ लियोन नाम के अमेरिकन रॉक बैंड ने अपनी एल्बम व्हेन यू सी योरसेल्फ को एज अ लिमिटेड एडिशन डिजिटल कॉपीज इन द फॉर्म ऑफ NFT लॉन्च करा। इन्होंने एल्बम के साथ डिजिटल आर्टवर्क, विनाइल रिकॉर्ड्स और कुछ स्पेशल पर्क्स भी निकाले, जिसमें से था किंग्स ऑफ लियोन के कॉन्सर्ट के लाइफ टाइम फ्रंट रो के टिकट्स। क्या अमेजिंग वे है अपने सुपर फैंस को एक प्रिविलेज एक्सपीरियंस देने का। एंड बाय द वे, इस NFT से उन्होंने 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था। बेनिफिट नंबर 4, बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन म्यूजिशियंस एंड लिसनर्स। अमेरिकन EDM प्रोड्यूसर DJ ब्लॉ ने अपने एक सॉन्ग वर्स केस की 333 NFT रिलीज करी और उन 333 टोकन होल्डर्स को इस गाने का 50% स्ट्रीमिंग रेवेन्यू शेयर करने का ऑप्शन दिया। मतलब इस गाने का जितना भी स्ट्रीमिंग रेवेन्यू आएगा उसका 50% इस गाने के टोकन होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बिजनेस आइडिया है। जहां पर पहले म्यूजिशियंस को सब कट कटाकर स्ट्रीमिंग रेवेन्यू का 15-20% मिलता था, DJ ब्लॉ के आइडिया के हिसाब से अब 50% रेवेन्यू उनका और 50% रेवेन्यू उनके टोकन होल्डर्स का। वैसे इस रेवेन्यू शेयरिंग NFTs के म्यूजिशियंस और लिसनर्स के बहुत फायदे हैं। ये आर्टिस्ट और लिसनर के बीच में एवरलास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ये आर्टिस्ट को अपने लॉयल फैंस की कम्युनिटी को गिव बैक करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। लिसनर्स इसके थ्रू अपने फेवरेट म्यूजिशियन को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मॉनिटरी सपोर्ट जिससे उनको फ्यूचर में रिटर्न भी मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 5, म्यूजिशियंस रिटायरमेंट प्लान। NFT के थ्रू म्यूजिशियंस अपना करियर खत्म होने के बाद भी अर्न कर सकते हैं। वो ऐसे NFT ऑफर्स प्लान कर सकते हैं जिससे उनके पुराने NFTs का जब भी लाइफ लॉन्ग ट्रांजैक्शन होएगा तो हर ट्रांजैक्शन का एक सर्टन शेयर उनकी पॉकेट में आएगा, जो कि उनका फ्यूचर बहुत इजीली सिक्योर कर सकता है। ऑलराइट, तो ये तो थे म्यूजिशियंस रिलेटेड NFT के फायदे, लेकिन NFT के फायदे म्यूजिशियंस के साथ शार्क्स भी समझ रहे हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स ने NFT की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है।
लेबल वन वार्नर म्यूजिक ग्रुप। लास्ट ईयर अप्रैल में WMG ने टेक्नोलॉजी कंपनी जीनीज के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस पार्टनरशिप के हिसाब से जीनीज WMG के आर्टिस्ट के एवटार्स एंड डिजिटल वेरिएबल NFTs बनाएगा और इन एवटार्स और डिजिटल वेरिएबल्स को WMG के आर्टिस्ट वर्चुअल वर्ल्ड और मेटावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर टू, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब कोई कंपनी एक चीज करती है तो उसके राइवल कंपनी भी सेम चीज करती है। हाँ, तुम्हें यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, इसको क्लिक करना, बाद में देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो मैंने बताया इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड। जिस कंपनी के साथ वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने डील साइन करी थी, सेम कंपनी के साथ यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने भी इस दिसंबर में सेम काइंड ऑफ डील साइन करी है। इस पार्टनरशिप के हिसाब से भी UMG के आर्टिस्ट अपने डिजिटल एवटार्स और डिजिटल वेरिएबल्स को मेटावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नंबर थ्री, सोनी म्यूजिक ग्रुप। मेकर्स प्लेस, जो कि एक मार्केट प्लेस है फॉर बाइंग एंड सेलिंग डिजिटल आर्टवर्क एंड क्रिएशंस, उसकी सीरीज ए फंडिंग का पार्ट सोनी म्यूजिक ग्रुप भी बन गया। वैसे इनकी $30 मिलियन की फंडिंग में सोनी म्यूजिक ग्रुप के साथ Eminem एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डेफ जैम रिकॉर्ड्स पॉल रोजनबर्ग ने भी इन्वेस्ट करा है। तो अभी तक हमने NFT की बात कर ली, म्यूजिशियन से रिलेटेड उनके फायदों की बात कर ली, रिकॉर्ड लेबल्स क्या कर रहे हैं उसकी बात कर ली। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि इंडिया में म्यूजिक NFT रिलेटेड क्या चल रहा है। 7th जैन 2022 को AR रहमान ने अनाउंस करा कि वो HBR नाम की फाउंडेशन के साथ मिलकर NFTs ड्रॉप करेंगे और इस NFTs से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगा। लास्ट ईयर नवंबर में सोनू निगम ने इंडिया की फर्स्ट एवर मेनस्ट्रीम NFT सीरीज लॉन्च करी थी। इस NFT सीरीज में सोनू का सॉन्ग हॉल ऑफ फेम, ये उनका एक खुद का गाना है हॉल ऑफ फेम जो रिलीज नहीं हुआ है, वो रिलीज होगा। प्लस वो अपनी डायरी में जैसे उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं एग्जैक्टली वैसे ही इंक्लूडेड होंगे। अब ये क्या है, तो अभी रिलीज नहीं हुआ तो थोड़ा हमें भी कंफ्यूजन है, बट आई डोंट नो, मे बी डिजिटल आर्टवर्क होगा। सोनू निगम जैसे गाने लिखते हैं उसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी वो NFT सीरीज में इंक्लूड करेंगे। Let's see. And जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रो में बताया था कि तमिल म्यूजिशियन कबीर वासुकन ने अपने सॉन्ग वसनम का जो फर्स्ट उन्होंने सोचो डेमो रिकॉर्ड करा होगा अपने फोन के ऊपर। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी उनके मन में धुन आती है ना उसको पहले फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ईजी वे होता है उसको मतलब रिकॉर्ड करने का, याद करने का, कोई चीज रफ वर्क करने का। तो उन्होंने जो डेमो रिकॉर्ड करा था वो एक बिजनेसमैन ने 1.5 करोड़ का उनसे खरीद लिया। Come on, man. And Ritviz और न्यूक्लिया भी अभी तक साथ में मिलकर करीब 50 NFTs निकाल चुके हैं। राइट, तो देखो हमने NFT के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, इतना कुछ डिस्कस करा, बट अब मैं बताता हूं कि मेरा ओपिनियन इससे रिलेटेड क्या है। देखो मेरे हिसाब से whether you like it or not, NFT is the future. I mean, जिस पेस से एडवांस टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो रही है, आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेटावर्स एंड वर्चुअल वर्ल्ड अपने पूरे प्राइम पे होंगे। जैसे बिटकॉइन का प्राइस 2010 में 6 पैसा था बट आज वो 32 लाख का है, वैसे ही मुझे लगता है कि अगले 10 साल में NFT के प्राइसेस भी ऐसे ही शूट अप करेंगे। अगर तुम म्यूजिशियन हो तो NFT की डिटेल्स को समझना शुरू कर दो, बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री एंड इवन लेबल्स। और अगर तुम इसको ऑपरेट करना सीख गए तो भाई पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। और अगर तुम नॉर्मल लिसनर हो तब भी अपने आप को NFT के बारे में एजुकेट करो, देखो कि NFT कैसे रन होती है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या न्यूज आ रही है, टू अंडरस्टैंड हाउ इट रन्स। देखो मैं खाली ये बोलूंगा कि अगर तुम फ्यूचर से मुंह मोड़ोगे तो फ्यूचर तुमसे मुंह मोड़ लेगा, बाकी मर्जी है आपकी, सर है आपका। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको म्यूजिक रिलेटेड NFTs के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट NFT है। लाइक आई होप कि इतना आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि आपका भी थोड़ा बहुत ओपिनियन होगा, तो प्लीज़ बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ऑल्सो इफ यू लाइक म्यूजिक रिलेटेड इनसाइटफुल कॉन्टेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, because I'll make sure that after watching every of my video you'll start looking at music differently. Alright, so boys and girls, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। Till then, नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सस्ते संगीत से बचा कर रखिए, and #music सुनाओ म्यूजिक बजाओ को फॉलो करिए। Fake.